हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो हम वापस आ चुके हैं, वापस एक हेना। आज हम लोग ने ठान ही लिया है कि सब सवाल के जवाब यही वीडियो में नहीं, मतलब अलग अलग वीडियो में, ताकि आपको अच्छा पड़े। सो इस वीडियो में ये बताएगी कि एक प्रोफेशनल हेना आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या टिप्स याद रखना चाहिए। कमेंट में भी बहुत पूछे और मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बहुत लोग ने पूछा है कि प्रोफेशनल हेना आर्टिस्ट आप कैसे बने, आपने कहाँ से सीखा है, अगर आप सिखा सकते हो हमें तो सिखा दो। तो यह जब भी सिखाएगी कि क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। तो चालू करिए आपको भाषण। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो सीखना है वो है परफेक्ट लाइन। अगर आप ये सीख गए तो फिर आपको दूसरी पैटर्न भी यूं आ जाएगी। ये बहुत हार्ड है, जो मैं बहुत लोग को देखती हूँ ये कर नहीं पाते, कर ही नहीं पाते परफेक्ट लाइन। जो मैं पहले क्लासेस देती थी उसमें भी कई बार लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी वो लोग की, इस वजह से वो लोग जल्दी सीख नहीं पाते थे। या मैं इस चीज़ पे बहुत वर्क की, पहले मेरे भी बहुत वीक थी है ना, जितना करो भी प्रैक्टिस उतना अच्छा है। तो हाँ, परफेक्ट लाइन्स पहले बनाना सीख लो। एक लंबी लाइन अच्छे से खींचो और टच करके नहीं, बिना टच करके ऐसे ऊपर से ग्लो करना है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैन या वुमन परफेक्ट? हाँ, मैन नहीं सीखते इतना, मतलब आजकल के मैन है जो कोई इंटरेस्ट रखते हैं। तो मुझे क्यों लगाया था मेहंदी होते थे हाथ बिगाड़ने। हाँ तो गाइस, हम टॉपिक से भटक रहे फिर से, क्यों भटका रहा है हम लोग को? चालू रखो आपके भाषण, हम सुनते हैं। लड़के लोग को भाषण लगता है। बहुत मतलब ही है लोग। हाँ तो चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं, प्लीज अवॉइड दिस पर्सन। तो हाँ, ये परफेक्ट लाइंस बनाना सीख लो अच्छे से। आप जितनी बुक में प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, कौन अच्छा से अच्छा लो, ताकि ऐसा नहीं कि चलो बासी कौन पढ़ाए कोई उठा के ले ले, तो फिर हक की फिनिशिंग भी आपको नहीं आने वाली। पहले से जितनी आदत रखोगी तो आपको अच्छा पड़ेगा। परफेक्ट लाइंस आने के बाद आप छोटे छोटे फ्लावर्स से चालू करो। बेसिक्स जो मेन है वो बहुत ही कच्चा रहता है, कोई कोई डायरेक्ट डिजाइन पे आ जाते हैं, वो मत करो कभी भी। पहले आप बेसिक सीखो अच्छे से। आप इंटरनेट पे वीडियोस भी, मैंने भी बहुत सारे बेसिक के वीडियो डाली हूँ, आप देख सकते हो। और अगर मेरे मतलब दूसरे की भी मैंने बहुत सारे बेसिक्स के देखी हूँ, वो लोग भी काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। तो आप जब लिखोगे तो ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे आपको वीडियोस। तो बेसिक के वीडियोस मैं अपने तो लिंक ही इसको दे दूंगी, ये डाल देगा, डायरेक्ट डाल देगा, ऑब्वियसली लिंक कॉपी करनी है। तो ये मतलब ये वीडियोस के नीचे लिंक दे देगा, तो करना पड़ेगा, तुझे काम करना पड़ेगा। मेरा काम सिर्फ बोलना है। तो बोलते नहीं हूँ। तो या आप पहले बेसिक अच्छे से पक्का कर लो। बेसिक पक्का नहीं होगा आपके डिजाइन नहीं आएंगे और आप बार बार भूल जाओगे। तो अच्छे अच्छे बेसिक सीखो और जो इम्पोर्टेंट बेसिक है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि आगे जाके पैटर्न्स में वही मेन है, वही आते रहते। और फिर मेन आता है कि डिजाइन। आप डायरेक्ट ब्राइडल पे मत चले जाना, बेसिक आ गया तो ऐसा मत सोचना कि आप ब्राइडल भी कर सकते हो। ब्राइडल ब्राइडल ही पता तुझे, दुल्हन वाली मेहंदी जो हाथ भरे रहते। लड़कों को क्या बताऊंगा। सो हाँ, बेसिक के बाद अगर आप फीलिंग्स सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, फीलिंग भी सीख ही जाओ। फिर अगर आप मेन डिजाइन है ना, क्योंकि मेन डिजाइन में भी आजकल है ना, ब्राइडल्स की जो फीलिंग रहती है वो आजकल डिजाइन्स में भी आने लगी है। सो बेसिक एंड फीलिंग आप सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फीलिंग्स के भी मैंने वीडियोस डाली, वो भी ये लिंक डाल देगा। सो हाँ, फीलिंग भी सीख लो और फिनिशिंग उसकी मेन है, जो उसकी फिनिशिंग अच्छी रहेगी। आप बड़े करना चाहते हो तो बड़े करो, पर साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर वो एकदम छोटे फ्लावर्स सीखना है तो मतलब वो ही सीखो, वो ज़रूरी नहीं कि उसको बड़ा ही बनाना चाहिए। जो छोटे है उसको छोटे ही रखो, उसको बड़े मत करो। सो जो भी डिज़ाइन है फीलिंग्स मेन, वो भी आप अच्छे से सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ये डालेगा, आप देख लेना, चेक कर लेना बेसिक्स के फीलिंग्स के भी वीडियोस। और इसके रिलेटेड आप सर्च भी करोगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे सीख सकते हो ये सब प्रोफेशनल। जैसे मैंने घर बैठे सीखी हूँ, मैं खुद से, मतलब मुझे वैसा था कि मैं कर सकती हूँ तो मैंने कर ली और
पूछ रहे ना मुझे बाकी सब, वैसे ही आपको भी पूछना चाहिए कि आपने कहाँ से सीखा, तो आपको बोलना चाहिए कि हाँ मैंने खुद से किया। मैं भी खुद से सीखा जो इसके हाथ पे बनाया था मुझे। हाँ बहुत अच्छी बनाया था। हाँ वैसे अगर तू थोड़ी प्रैक्टिस करेगा ना तो मेहंदी से प्रोफेशनल है ना आर्टिस्ट बन जाएगा। तो नॉट इंटरेस्टेड। हाँ गाइज अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो यही मैंने बेसिक और फीलिंग्स आप अच्छे से सीख लो, फिर डिजाइन और ब्राइडल पे जाओ, क्योंकि अगर डायरेक्ट वो करोगे तो फिर आपकी मेहंदी कार्टून जैसी लगेगी, जैसे मैं पहले कार्टून जैसी बनाती थी वैसी लगेगी। इसके कार्टून कार्टून ही तो है। मैं कार्टून देखती हूँ कौन से एंगल से। ओके सो टॉपिक पे आते, फिर से टॉपिक पे, फिर आप डिजाइन पे आओ और फिर ब्राइडल करो। जितना सब की वीडियोस मैंने बनाई हो आप देखते नहीं हो, क्लासेस भी मैंने दी हूँ, फिर आप बोलते हो कि मैम आप सिखाओ और क्लासेस दो, बट मैं सिखाऊं क्या, एक ही बार का जो वीडियो है आप वो ही देख लो, लिंक तो ये देगा ना। हाँ, नहीं देगा तो बहुत मजा। सब लिंक इसका वीडियो में, इसका मेन आर्टिस्ट में जो भी वीडियो है सब देगा। सब दे देगा। नहीं मेरे वीडियो देख किसको देगा तू, लिंक देगा ऐसे बोल, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करेगा तू। तो हाँ मैं ये बोल रही थी कि ये सब चीज अगर ध्यान में रखते हो, और प्लीज गाइस जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना क्लियर होगा। ऐसा मत सोचो कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हमेशा से मतलब अच्छा ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी पहले बिगनर थे तब हम लोग को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ये सब, हम लोग सोचते थे कि वो कितना अच्छा है डिजाइन, हाँ काश हम भी वैसा कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली तब हमको कुछ नहीं आता था। तो गाइस प्लीज प्रैक्टिस करो जितनी हो सके, रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने जब स्कूल छोड़ी थी, जब कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने मेहंदी की प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 साल तक रेगुलर की थी, तब जाके मुझे इतनी परफेक्ट मेहंदी आई है। और डिजाइन भी आप एक्सप्लोर करते रहो, दूसरे हैंड आर्टिस्ट के देखो, उनके सीखो, उनको उनसे कॉपी करो, उनको मेंशन करना मत भूलना, क्योंकि कोई बार ऐसा होता है कि मेंशन करना रह जाते हैं, पर उनको प्रोफेशनल आर्टिस्ट जब देखते हैं ना उनको दुख होता है कि यार हमारी डिज़ाइन कॉपी किए फिर भी मेंशन नहीं किया। अगर आप मेंशन करोगे तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे वो लोग, इंस्पायर्ड बाय। हाँ इतना तो कर ही सकते हो, आप टैग करो उनको कि उनकी डिज़ाइन है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सीखो जितना सीखना है सीखो, कभी कम नहीं पड़ेगी डिजाइन, हमेशा न्यू डिजाइन आती रहती है। और अपने मन में भी क्रिएटिविटी तो रहता ही है। और हाँ एक बात सबसे ज्यादा सब लोग मुझे बोलते हैं कि बनाते टाइम है ना हाथ बहुत कांपते हैं, और दूसरी बात कि दिमाग में डिजाइन ही नहीं आती बनाने में, ये गाइस मुझे अभी तक होता है। सो ये टेंशन मत लो, ये सबके साथ होता है, एक नर्वसनेस स्टार्टिंग में रहती है, और जब स्टार्ट करते हैं ना फिर फ्लो होता रहता है डिजाइन, और दिमाग में भी आ जाती है। तो हाँ ऐसा होता है, मुझे अब तक होता है, मेरे तो मतलब पहले से ही क्या हाथ कांपते ही है। बुड्ढी हो गई ना। बुड्ढी नहीं हूँ मैं, मतलब हाथ कांपेंगे उसकी फिक्र मत करो, आप अपने कॉन्सेंट्रेट करो हैना पे, वो होता रहेगा, उसको अवॉइड करो। सो यही सब चीजें जो आपको प्रोफेशनल हैना आर्टिस्ट बना सकते हैं, घर बैठे आप कोई क्लासेस मत जाओ, मतलब बोलते अगर आपको मतलब ठीक है क्लासेस जम रहा है तो आप जा सकते हो, बट अगर जो लोग नहीं जा पा रहे घर बैठे सीखना चाहते तो ये चीज अगर आप करोगे ना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप प्रोफेशनल बन सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ये मैं बोल के थक जाती हूँ सबको, बट कोई सुनता ही नहीं है मेरी। तेरी सुनेगा भी कौन तू। सो गाइस हो गया इसका जो मेहंदी की टिप्स है आप सुन चुके हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और कुछ बोलना है आपको? सब्सक्राइब कर देना गाइस। हाँ मेरे वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना, तो आपको आगे की ये सीक्रेट बताता रहेगा मेरे हैना के, और मुझे भी शेयर करने में अच्छा लगता है कि आप लोग सीखना चाहते हो, और इतने सारे कमेंट्स आते हैं इस पे भी आने लगे, मुझ पे तो आते ही थे, इसको भी नहीं छोड़ा किसी ने। मेरे को कोई मेरे बारे में नहीं पूछता है, पूछते हैं हैना के बारे में। हैना हैना कैसे बनाती है, हैना हैना कैसे बनाती है, तो मेहंदी बोला अलग अलग लगता है ना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।